दोस्तों, भारत में 36 राफेल और 26 राफेल एम लेने के बाद ये तो लगभग तय है कि भारतीय सेनाओं को राफेल काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसके एडवांस फीचर्स काफ़ी हमारे भारतीय सेनाओं को पसंद आ रहे हैं। और वैसे भी राफेल एक सबसे ज़्यादा एडवांस और कैपेबल फाइटर जेट है, जो कि 4.5 जनरेशन के कैटेगरी में आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाती है, उन्होंने ये कहा था कि हमें भारत एक कंफर्म ऑर्डर हमें देते ही हम वो फैसिलिटीज़ भारत को देंगे जो और कोई भी देश नहीं देगा। MRFA टेंडर पर जब एयरफोर्स काफ़ी जोर दे रही है अभी कुछ दिनों पहले से, और उनके पास समय भी बहुत कम है, ये उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया है, हमारी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए हमें MRFA टेंडर चाहिए ही चाहिए, जिसमें हम 114 फाइटर जेट्स लेने वाले हैं। वहीं अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड के कारण इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसा गेम खेला MRFA टेंडर के अंदर कि आप समझिए काफ़ी सारे फाइटर जेट्स जो अमेरिका के भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर थे वो बाहर चले गए हैं। जैसे कि आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले ही डिक्लेयर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कि MRFA टेंडर के अंदर सिंगल इंजन फाइटर जेट्स नहीं लिए जाएंगे। जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ, आप समझ के चलिए काफ़ी सारे देश जो इस कंपटीशन में थे वो बाहर चले गए, काफ़ी सारे फाइटर जेट्स इस कंपटीशन से आउट हो गए, जिनमें मैं कुछ नाम बता दूं आपको। ग्राइपन जो कि स्वीडन का था वो निकल गया, साथ ही साथ इसमें USA के दो फाइटर जेट्स बाहर चले गए जो कि F-16 और F-21 थे, दोनों ही बाहर हो गए। अब इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ बचे हुए हैं कॉम्पिटिटर जो हैं वो तीन हैं, राफेल, F-15EX और सुखोई 35। राफेल फ्रांस का, F-15 USA का, SU-35 सभी को पता है रशिया का। पर अभी आप समझो, इस सिनेरियो के बाद आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया रहेगा कि भारत में जो है वो आप राफेल ही आने वाला है। मैं बताता हूँ कैसे, आप पूरा वीडियो देखें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। पहली बात तो राफेल इसके लिए हमारे में आने वाला है 100%, क्योंकि इसकी पूरी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं पहले से। हमारे पास हैंगर्स हैं, इसको रखने के लिए प्रॉपर सेटअप है, इसकी मेंटेनेंस फैसिलिटी भी हमारे पास है, और हमारे सबसे बड़ी बात, हथियार भी हम अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर, और दूसरी बात कि पायलट्स भी ट्रेंड हैं, तो हमें किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जो कि कभी भी एक नया फाइटर जेट्स लेते हैं तो आपको करना पड़ता है। F-15 तो भारत लेने से रहा, क्योंकि इसके लिए वापस से एक नया सेटअप बनाओ, नए हथियार, इसमें फिर USA का जी हुजूरी के जिए, और पता नहीं USA का डबल स्टैंडर्ड कब ये धोखा दे दे कब नहीं दे मेंटेनेंस के टाइम में, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। SU-35 नहीं लेगा क्योंकि वो हैवी कैटेगरी का है, और MRFA के अंदर हम मीडियम कैटेगरी का ही फाइटर जेट्स लेने वाले हैं। हाँ, SU-35 हम बाहर से कहीं से बात कर सकते हैं, या SU-57 का, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा या आगे डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत उस पे। पर अभी के सिनेरियो के हिसाब से 100% राफेल ही आने वाला है MRFA टेंडर के अंदर। फ्रांस किसी भी हालत में भी MRFA टेंडर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि आप समझ के चलिए ये डील $20 बिलियन की डील है, 1 बिलियन बोलेगा तो 8,200 करोड़, तो ये $20 बिलियन की डील है, और कोई भी देश इस डील को खोना नहीं चाहता है। इसके लिए हर देश पीछे पड़ा हुआ है, और अभी तो इसका मेन कंटेंडर जो शुरू से है राफेल, और वही अभी लीड ही कर रहा है। इसके बावजूद भी फ्रांस ने और डसॉल्ट एविएशन ने एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन किया है इस MRFA टेंडर के अंदर, जो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है। फ्रांस आज ही एक प्रेस रिपोर्ट में, प्रेस रिलीज में कहा है कि हम भारत को राफेल का एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हम भारत को हर तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। हम राफेल की 2 प्रोडक्शन लाइनें प्रॉपरली भारत में सेटअप करेंगे, और भारत में ही राफेल बनेंगे, जो भी राफेल बनेंगे, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी जो है वो राफेल के भारत से ही बनकर निकलेंगे। भारत से जो भी फैसिलिटीज़ होंगी राफेल की या इंजन रिलेटेड, हम भारत में ही करने वाले हैं,
और पूरी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि एक MRO फैसिलिटी भी हम यहाँ खोलने जा रहे हैं भारत में, जो कि M88 इंजिन्स और राफेल की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करेगी। इससे फायदा क्या होगा कि भारत को कहीं भी किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी भी चीज़ की मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए या स्पेयर पार्ट्स के लिए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा 2027 तक हम प्रोडक्शन लाइन भी लगा देंगे और 2027 तक हम MRO फैसिलिटी भी फुल फ्लेज में भारत में खोल देंगे। इसकी हर एक चीज़ की मेंटेनेंस राफेल की और उसकी इंजन की, M88 की, सब भारत में की जाएंगी। ये डिक्लेरेशन के बाद आप समझ के चलिए तो कन्फर्म ही है कि भारत राफेल ही लेने जा रहा है, बाकी दो तो सिर्फ दिखावा के लिए रखे गए हैं। इसमें एक और बात कही गई है बहुत बड़ी कि राफेल के मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट्स लगेंगे या इंजिन्स में बनने के लिए, वो भी भारत से लोकली ही परचेज किए जाएंगे। तो ये इकोनॉमिकली भी हम लोग को बहुत वाइबल है, क्योंकि देखिए दो प्रोडक्शन लाइन लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पैसे मिलेंगे, प्लस हम बाहर के देशों से भी पैसे कमा सकते हैं राफेल का रिपेयर, मेंटेनेंस, अपग्रेड, ओवरहॉल करके। तो ये एक बहुत बड़ा सीनेरियो अच्छा लगा मुझे जो कि फ्रांस ने दिया है और भारत को MRFA, देखिए बहुत दिन हो गया, मैं भी इसमें बोल बोल के थक गया हूँ कि एयरफोर्स का नीड है, आपको करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किधर सोच रही है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अभी जिस हिसाब से जोर पकड़ा है MRFA ने, MRFA के लिए मैं बताता हूँ आपको, राफेल ही आने वाला है और राफेल ही आएगा, आगे देखते हैं। पर ये ऑफर बहुत सही है और भारत को राफेल के साथ ही जाना चाहिए। इनफैक्ट नेवी ने भी आपको एक्स्ट्रा 26 राफेल M का ऑर्डर देने का सोचा है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि राफेल लगने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें, नया टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हैं। आपका एयरफोर्स में जो है, आपका एरो इंडस्ट्री जो है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आते रहती हैं, तो कहीं से भी टेक्नोलॉजी लेना कुछ बुरी बात नहीं है। अभी तो हम अपना बना नहीं पाए थे, अभी तेजस बनाने में ही इतना लंबा समय चला गया हम लोगों का। तो ओवरहॉलिंग, रिपेयर और प्रोडक्शन लाइन, ये तीनों ही हमारे यहाँ लग रही हैं, इसमें कोई बहुत ये बात नहीं है। भारत को इसके साथ जाना ही जाना चाहिए और भारत को ये समझना पड़ेगा कि अभी के डेट में 4.5 जनरेशन और मीडियम वेट कैटेगरी में राफेल से अच्छा कोई भी नहीं है। एयरफोर्स भी ये हजारों बार बोल चुकी है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सुन रही है मुझे पता नहीं, पर इसको जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए और ये आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एक और फायदा आप समझिए, भारत की चाल कितनी अच्छी है, बिना बोले US को हटा दिया उसने, गेम खेल दिया, फर्स्ट सिंगल इंजन नहीं चाहिए, हट गया। और US को लेना भी नहीं चाहिए US से कोई भी चीज़ें, वो कब धोखा दे देता है पता नहीं, एन मौके पर। अभी प्रेडेटर ड्रोन हम लेने वाले थे, नहीं लिए, या हम तो लेने के लिए गए थे, US नहीं दिया। दूसरा आप समझिए F414 इंजन का, वो भी हमसे नहीं हुआ डील, बोला गया कि हम अभी इस पे ह्यूमन राइट्स का आपका चेक कर रहे हैं। तो US के ऊपर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब देगा नहीं देगा। इससे बेटर हमारे पास हमारा दोस्त पुराने है, रशिया है, फ्रांस है, हम उसके साथ जाएंगे और जाना भी चाहिए। होप आप लोगों को क्या लगता है आप बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही था अभी तक। मेरे हिसाब से राफेल के साथ ही जाना चाहिए और राफेल ही होगा, ये 100% तय है। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।